हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनु सिंगल आज एक जन्मपत्री स्पेशल ऐसा लक गेम लेकर आई हूँ जिसमें एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कि आज विनर इसमें कौन मिलने वाला है। जनरली हम लोग डेली ऐसे ही गेम खेलते हैं जिसमें स्टार्टिंग से पता चलता है इसका स्कोर हाईएस्ट है, ये जीतेगा जीतेगा, लेकिन आज के गेम में एंड तक सस्पेंस बना रहेगा। आपको सिर्फ एक पेपर चाहिए जिससे मैंने जन्मपत्री स्टाइल एक खाका खींच दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हर मेंबर सिर्फ इस एक पेपर पे ही आगे खेलेगा। एक पेपर है, मेंबर चाहे कितने भी हो, गेम मेंबर वन बाय वन करके आगे खेलेंगे। टाइम की लिमिट यानी चांसेस के हिसाब से इसमें हमारा गेम तैयार होगा। एक आपको डाइस लेना है और एक आपको लिस्ट चाहिए जो ये बताए कौन कौन मेंबर खेलने आने वाले हैं। मैंने ये चार नाम लिख दी जिससे आपको गेम इजीली समझ में आ जाए। तो आप गेम शुरू करते हैं। ये मैंने इन पे कुछ डाइस के नंबर लिख दिए जो हमारे ये बाहर के जन्मपत्री के खाका है, किसी में तीन चार, ये हमारी आठ चांसेस हैं। और बीच में ये चार मैंने जन्मपत्री के नाम डाल दिए, राहु मंगल बुध शनि, ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब पहले हम बाहर के लिए खेलेंगे, उसके बाद जो ये चार नाम लिखे हुए इनके लिए खेलेंगे। हर मेंबर को ऐसे ही करना है। अब फ्रेंड्स वन पे वन आ गया तो ये मेरा गैस बिल्कुल सही हो गया। तो एक सिक्का उठा के काउंटिंग पर्पज से मैं वन के ऊपर रख दूंगी। अब इसमें लिखा हुआ चार, अब मेरा डाइस में चार आना चाहिए, देखती हूँ आता है या नहीं। दो आया तो अब मैं इस पे बढ़ूंगी, इसमें मेरा कोई मुझे नहीं मिलेगा पॉइंट। इसमें भी एक आ गया तो एक सिक्का मेरा इस पे। अब पाँच के लिए देखना है हमें, पाँच आ गया वेरी गुड, एक सिक्का मेरा इस पे। अब छः पे देखना है, छः पे छः आ गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब टू पे देखना है, टू पे टू नहीं आए। अब चार पे देखना है, चार पे चार नहीं आए। अब ये मेरी लास्ट चांस रह गई है जिसमें मेरा तीन आना चाहिए, नहीं आया। तो अब फ्रेंड्स हमें इसमें नंबर काउंट नहीं करना है, हमें इसमें कोई छः पे छः आया तो छः नंबर नहीं मिलेंगे, हमें आठ नंबर हैं इसमें, आठ ब्लॉक हैं ये, तो हमें आठ की चांसेस काउंट होंगी। तो मेरी आठ में एक दो तीन चार। तो अब जैसे तनु ये गेम खेल रही थी, तनु की चांसेस हुई हैं चार, तनु के नाम के आगे चार चांसेस, चार गेस उसके सही गए हैं। अब ये जो हमारे बीच में है इनके लिए गेम होगा। बीच में हमें राहु से शुरू करना है, राहु पे हमारी एक चांस चली जाएगी, मेरा आया तीन, याद रखिए मेरा तीन आया है। इसके बाद शनि में मेरा आया चार, तीन और चार होते हैं सात, सात और छः हमारे हो गए तेरह, तेरह और तीन हमारे हो गए सोलह। तो अब ये मैंने दो चीज़ें आपसे लिखवाई थी, सोलह तो मेरे अंदर वाले ब्लॉक का टोटल आ गया है, अंदर वाले ब्लॉक का हमने नंबर नहीं लिखे हैं, देखिए कोई नंबर इसके अंदर नहीं लिखा है। इसका हमें चारों का टोटल लेना है, पूरा घुमा के चाहे आप ऐसे घुमाएं चाहे आप ऐसे, क्योंकि हमें सिंपली चार चांस लेनी है इन चारों नाम के लिए। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर आपके आने चाहिए डाइस में, जितने ज़्यादा चांसेस आपकी सही गैस आ जाएगा उतना आपकी चांसेस काउंट हो जाएंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम आठ हो सकती हैं, मेरी चार आई थी। अब ऐसे ही हर मेंबर खेलेगा। सपोज रुचि की तीन चांस आई और टोटल हुआ इनका 20, ये मैं ऐसे मान के चल रही हूँ जिससे मैं इनका सस्पेंस और क्लियर विनर आपको बता पाऊँ। रिया का हमारा चांसेस वही पाँच और ये टोटल हुआ उनका 15, चारों का मिला के। शिल्पी की चांसेस हुई हमारी 6 सही सपोज और इनका टोटल हुआ सपोज 18। अब फ्रेंड्स एक गिफ्ट तो हम उसको देंगे जिसकी चांसेस सबसे ज़्यादा होंगी, किसी की 7 हो 6 हो, पता नहीं ग्रुप में कितने लोग हैं और किसका लक कितना काम कर रहा है। तो एक विनर उसको, अगर आपके तीन चार मेंबर की चांसेस सेम आती हैं, कभी कभी टाई अप हो जाता है, तो आप उनमें डाइस चलवाइए और हाईएस्ट करके दे दीजिए। दोनों में हाईएस्ट देखना है आपको, एक का आया एक और एक का आया तीन, जिसका तीन आएगा वो हमारे इस गेम का विनर हो जाएगा। अब एक गिफ्ट तो उसका हुआ और दूसरा गिफ्ट हमें देना है सस्पेंस वाला जो है टोटल से। वो कैसे, जब सारे लोग खेल लेंगे वन टू ऑल तो होस्ट इन चार के लिए टोटल लेगा, बाहर के लिए नहीं सिर्फ इन चार के लिए। इनका तो हमारा बाय लक ये आ चुकी है कितनी चांसेस, जिसकी हाईएस्ट है वो जीतेगा हमारा। अब इनके लिए अब मेरा टोटल करना शुरू करिए, मेरा आया पाँच, पाँच और एक छः, छः और तीन नौ, नौ और छः 15, तो मेरा टोटल हुआ 15 का। तो अब रिया अग्रवाल, रिया हमारी इस गेम की सेकंड विनर हो जाएंगी क्योंकि इनका टोटल होस्ट के टोटल से बिल्कुल मैच करता है। अगर किसी का बिल्कुल मैच नहीं करता है तो जिसका नियर है और ऊपर वाला है उसे आपको मानना है, ये बात आप होस्ट की चांस से पहले ही कह देंगे। और अगर जिसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट बिल्कुल एक्यूरेट होगा वो हमारे इस गेम का
विनर हो जाएगा, चाहे आप इसे फर्स्ट करिए या इसे सेकंड करिए, जनरली दो गिफ्ट तो हमें देने ही होते हैं। मुझे उम्मीद है ये जन्मपत्री स्पेशल लक गेम आपको पूरी तरह समझ में भी आ गया होगा, पसंद भी आया होगा, चेहरे पे स्माइल भी आ गई होगी। 8 चांस आपको डाइस की चलवानी है बाहर के लिए, जिसमें चांसेस में लिखना है, और 4 चांस बीच से करवा के टोटल ले लेना है।